उस लंबी संघ संस्कारों की श्रृंखला के कड़ी है जो हमें गौरव है, हमें गर्व है कि उस पार्टी के नेता है जो विचारधारा पर आधारित है, हम उस पार्टी के कार्यकर्ता है जो एक हमारे नेता अटल जी, अडवाणी जी, योगी जी, मोदी जी, लंबी श्रृंखला है जिन्होंने अपना जीवन भोग कर दिया राजनीति के लिए और राजनीति के लिए राष्ट्र के लिए किया, और इसका हमें गर्व है। और ऐसे कार्यकर्ता जो ऐसी पार्टी से जुड़े हैं मेरे सहयोगी हैं, इसका मुझे गर्व है कि आपने इतनी करोड़ आपने मुझे पहला चुनाव बताया। अभी प्रमोद जी बता रहे थे 23,000 वोटों विपरीत परिस्थितियों में, दूसरा चुनाव जिताया 52,000 वोटों और तीसरा चुनाव तो बड़ा महत्वपूर्ण हो गया। जो कुछ कहते थे अरे ऐसे लोग आ जाते हैं इसलिए जीत जाते हैं, कईयों ने मुझ पर कटाक्ष भी किया कि अब आया तो पहाड़ के लिए, मैंने कहा तो मैं नहीं मानूंगा, पहाड़ी बैठे हिमालय पर्वत बैठे तो कोई भी पहाड़ आ जाए पहाड़ से बाबा हुआ जो मेरे कार्यकर्ता हिमालय के पर्वत की तरह। और तीसरा चुनाव आप लोगों ने 57,000 से जिताया जिसके लोग कह रहे थे कि अब आया हूँ पहाड़ के लिए, क्योंकि वो नहीं जानते थे जो कहने वाले कि हिमालय की तरह बुलंद हौसला रखने के लिए कार्यकर्ता कि हमारी पार्टी के है मेरे तो है ये सभी पर मेरे लिए अभिमान है, मान है, घमंड कहो घमंड है। आप लोगों ने यहाँ तक पहुँचाया, आपकी दुआएं चाहिए कि जो जिम्मेदारी मुझको दी है मेरी पार्टी मेरे नेतृत्व में उसको ईमानदारी से करो, परिश्रम से करो, और जिस तरह आप लोगों के सहयोग से गंगा जल आगरा में आया है, सरस्वती जो विलुप्त हो चुकी है उसका नया प्रभाव पूरे प्रदेश में, और ये सरस्वती का मंत्र मिला है लड़ाई को चंद लोगों ने शुरू किया था, बैठे बहुत से लोग, मैं उन नौजवान को बताना चाहता हूँ जो नए पार्टी से जुड़े कि इस मुकाम तक आने के लिए न जाने कितने बलिदान हुए, संघर्ष हुए, जहां हुए बलिदान मारा है कि कहा हम लोगों ने, और हमारा नेता कहता है अब तो पूरा का पूरा है। तो मित्रों राजनीति सही हाथों में पहुंचनी चाहिए, यह हम लोगों का संकल्प था, संघर्ष था, और सही मुद्दे होने चाहिए और सही मुद्दे पूरे होने चाहिए। तो सिर्फ राजनीति नहीं की हम लोगों ने, हमारे नेताओं ने, हमारी पार्टी ने राजनीति के माध्यम से देश की सेवा की है, फिर राजनीति के माध्यम से उन मूल्यों की स्थापना की है जो इस देश के लिए आवश्यक थे। मुझे शिक्षा मंत्री बनाया है, शिक्षा मंत्री, शिक्षा में कोई नया परिवर्तन होना चाहिए। हम विद्यार्थी परिषद में काम करते थे, प्रमोद जी भी करते थे, हम कहते थे कि लॉर्ड मेघालय की हुई शिक्षा पद्धति को बदलना होगा, तो हम यही कह सकते थे बदलना होगा बदलना होगा। और कुछ लोग एक वर्ग था कहते बदलना चाहिए, न चाहिए वाले के पास ब्लू प्रिंट था, न बदलना होगा कहने वाले के पास ब्लू प्रिंट था, विद्यार्थी परिषद के पास एक ब्लू प्रिंट था, लेकिन वो भी आधा दूर था। आज नई शिक्षा नीति आ चुकी है और पूरी शिक्षा जो लॉर्ड मेघालय की जो नई शिक्षा पद्धति क्या थी, जब लॉर्ड मेघालय हिंदुस्तान से पहुंचा है अपने देश, तो उसके पिता ने पूछा कि क्या करके आए हिंदुस्तान, तो देखिए उसकी बात जवाब, उस जवाब से अपना फलाना कितने गहरे लोग के बनो। वो कहता है कि मैं ऐसी शिक्षा पद्धति लेके आया हूँ हिंदुस्तान को जो काले अंग्रेज पर बन गए, और चिंतन कर जब अपने आप में काले अंग्रेज पैदा हुई तो शिक्षा पद्धति अपने एजेंट बनाने की शिक्षा पद्धति दी थी, और एजेंट बने
लेकिन आज शिक्षा पद्धति जो आई है, नई शिक्षा नीति, उसका मूल बिंदु है। इसी की पद्धति में सब काम होंगे, नई नीति बनेगी, योजना बनेगी, कार्यक्रम बनेंगे, शिक्षा का कलियुग बदलेगा।